बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने जेडीयू कोटा से मंत्री अशोक चौधरी के जुबानी जंग तेज हो गई है। अब सुनील सिंह ने अशोक चौधरी पर जोरदार हमला बोला है। सुनील सिंह ने कहा है कि मैंने जो भारतीय प्रशासनिक पदाधिकारी के संदर्भ में जो बयान दिया था वो मेरा पर्सनल विचार था। उन्होंने कहा कि कल जो मंत्री अशोक चौधरी का बयान सुना तो घोर निराशा हुई। सुनील सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी मुझे जंगल राज की याद दिला रहे थे, लेकिन अशोक चौधरी जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो सबसे सक्रिय मंत्री थे और लालू यादव के सबसे करीबी थे। जो हम उनका बयान सुने, हम अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी का, तो हमको घोर निराशा हुआ। वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, कितना शर्म की बात है कि भाई जिस समय आप जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। दरअसल ये पूरा मामला शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस विवाद में सुनील सिंह ने के पाठक की तारीफ कर दी थी और कह दिया था कि कई राज्यों के सीएम अपने मंत्रियों को टाइट करने के लिए ऐसे अधिकारियों को रखते हैं, और इस पर अशोक चौधरी ने सुनील सिंह के बयान को महत्वहीन बताया था। आइए आपको सुनाते हैं कि अशोक चौधरी ने आखिर क्या कहा था। अब सुनील सिंह इज नॉट अ अल्टीमेट लीडर ऑफ द आरजेडी ना, व्हाई शुड वी रिएक्ट ऑन सुनील सिंह? लालू यादव क्या बोले, राबड़ी देवी क्या बोली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ना। अननेसेसरी आप लोग 24 घंटा, क्योंकि आपको तो 24 घंटा पोर्टल चलाना है तो आपको तो रोज सनसनी चाहिए, तो रोज सुनील सिंह कर रहे हैं। सुनील सिंह कोई हम लोगों के लिए, वी डोंट टेक हिम सीरियसली। आम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, लगातार ये जो विवाद है वो गर्माता जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर और अब कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहा जा सकता है कि एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश हो रही है। देखिए, इस प्रकरण में जिस तरीके से बात पड़ी है इसको लेकर एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी, पहले बयान के जरिए, उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए, और अब फिर मीडिया के जरिए एक दूसरे पर इस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। और ये जो प्रकरण है इसमें शिक्षा मंत्री के मसले पर जब बातें उठी थी और उसके बाद जो बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी ओर से कई बातें कही गई और यहाँ तक कि आरजेडी के शासनकाल को भी गिना दिया गया और जंगल राज समेत कई सारी बातें जो कही गई, उसके जवाब में फिर एमएलसी आरजेडी के सुनील सिंह ने कई बातें कही। हालांकि अशोक चौधरी की ओर से ये कहा गया कि आरजेडी की ओर से लालू प्रसाद या राबड़ी देवी कोई बात कहती है तो उस बात की एक वजूद होती है, उसका राजनीतिक मायने होता है, लिहाजा सुनील सिंह के बातों का कोई इस तरीके से उसे राजनीतिक तौर पे गंभीरता से नहीं लेती है पार्टी। इस बात को लेकर उन्होंने फेसबुक पर भी कई तरीके से निशाना साधते हुए, अशोक चौधरी को निशाने पर लेते हुए कई बातें लिखी, और आज फिर एक बार हमलावर होते हुए उन्होंने कई बातें कही। तो इस तरीके से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू है, और बिहार में मौजूदा जो राजनीतिक परिकरण और जो राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चा है, और उस बीच में जेडीयू और आरजेडी के जो मंत्री और एमएलसी के बीच में इस तरीके से बातें हो रही है, इसको लेकर बीजेपी भी निशाना साध रहा है, और तमाम जो ये पहलू है इस पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब किस तरीके से इस पर जेडीयू रिएक्ट करती है वो देखने की बात होगी। हालांकि आज जेडीयू कार्यालय में कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये छोटी मोटी बातें हैं, ये होती रहती है। हालांकि जेडीयू कार्यालय में एमएलसी जेडीयू के, उनके बारे में भी कई सारी बातें थी, उसके स्पष्टीकरण को देकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जिसमें सुनील सिंह और इस प्रकरण पर भी बातें कही गई, लेकिन सुनील सिंह ने एक बार फिर से निशाना साधते हुए मोर्चा खोला है और अपनी बातें पुरजोर तरीके से कही है अशोक चौधरी को लेकर। बिल्कुल रजनीश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कैमूर में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर